हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं रजनी पाल गुनगुन सेविंग क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। देखिए, समर सीजन स्टार्ट होने वाले हैं तो कुर्तियों का सीजन भी चालू होने वाला है। आज मैं आपको कुर्ती की बॉटनेक कटिंग बताऊंगी, जो कि हमारे व्यूअर्स की डिमांड थी कि हम बॉटनेक की कुर्ती बताएं, तो आज मैं आपके लिए स्पेशली बॉटनेक की कुर्ती ही लेकर आई हूँ। तो चलिए हम जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। बॉटनेक बनाने में हमको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारे बॉटनेक में झोल ना आए, हमारा बॉटनेक बिल्कुल गले पर फिट रहे, तो आज मैं आपको उसी को विस्तार से बताऊंगी। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप सिलाई में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, सिलाई से जुड़ी नई नई चीजें सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखिए, अगर आप बॉटनेक की कुर्ती सीख रहे हैं तो आप सबसे पहले नाप लिख लीजिए। नाप के अंदर आपको सबसे पहले लेंथ की लंबाई लिखनी है। सबसे पहले आपको लेंथ लिखनी है, लेंथ आपको 37 लिखनी है। सीने की चौड़ाई आपको 32 इंच लिखनी है, कमर की चौड़ाई आपको 25 इंच लिखनी है और हिप की चौड़ाई आपको 33 इंच लिखनी है। उसके बाद आपको शोल्डर का नाप लिखना है। शोल्डर का नाप देखिए, आप 14 इंच लिख लीजिए और आस्तीन की लंबाई आप 15 इंच और गोलाई उसकी 7 इंच लिख लीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमको सबसे पहले देखिए हमारे कपड़े की चौड़ाई है। हमें कपड़े को इस प्रकार से डबल फोल्ड कर लिया है। देखिए, आप हमारे कपड़े के चार परत देखेंगे, दो परत खुले भागे हैं, दो परत बंद भागे। तो हमको जो टोटल बंद भागे वहां से हमको लगाना है। देखिए, आप ये देख सकते हैं, पहले आप क्या कीजिए, 37 इंच हमारी लेंथ है पूरे कुर्ते की। 37 में आप क्या कीजिए, 1.5 इंच जोड़ लीजिए। 37 के अंदर हमको 1.5 इंच जोड़ना है, तो 1.5 इंच पर हम निशान लगा लेंगे तो हमारे पास निशान आएगा 38.5 इंच पर। देखिए, 38.5 पर आएगा। और आपको कपड़े को पूरा रखने की जरूरत नहीं है, कपड़े को आप कट करके अलग कर लीजिए। ये देखिए, सबसे पहले आप कपड़े को अलग कर लीजिए। ये देखिए, इस प्रकार से हमने अलग कर लिया। देखिए, हमने इसे काट कर अलग कर लिया है। अब हमने शोल्डर का निशान 14 इंच पर लिया है। 14 को हमको आधा करना है, तो हमारा शोल्डर कितना पर आ जाएगा, 7 इंच पर आ जाएगा। 7 इंच पर आपका शोल्डर है, तो आपको शोल्डर और आधा इंच कम लेना है। देखिए, हमको आधा इंच कम लेना है क्योंकि हम आगे से भी बॉटनेक बना रहे हैं और पीछे से भी बॉटनेक बना रहे हैं, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। शोल्डर का पूरा ही आधा नहीं लेना है, क्योंकि पूरा अगर आधा ले लेंगे तो जब आप बॉटनेक बनाएंगे तो उसमें हल्का सा झोल आएगा, गला बिल्कुल फिट नहीं रह पाएगा। तो देखिए, शोल्डर को आपको कितना लेना है, यहाँ पर 6.5 इंच लेना है। आपको जो बगल उतारनी है, कंधे की गोलाई लेनी है, वो 7 इंच पर लेनी है। आपको फिर उसके बाद कॉर्नर बनाना है, ये गोलाई आपको 1.5 इंच पर रखनी है। ये गोलाई बना दीजिए आप। देखिए, अब जब आप बॉटनेक का निशान लगाएंगे तो गले का निशान आपको कैसे लगाना है, देखिए 3.5 इंच पर मैं यहाँ पे बॉटनेक का निशान लगा रही हूँ, और आगे की तरफ कितने इंच पर उतारेंगे हम, 3 इंच पर उतारेंगे। ये इस प्रकार से बॉटनेक का निशान आपको इस प्रकार से लगाना है। देखिए, ये हमारा बॉटनेक का निशान लग गया है आपको। देखिए, फिर उसके बाद सीने का निशान लगाना है। सीना हमारा 32 इंच है, 32 का चौथा हमारे पास 8 आएगा। 8 में आधा इंच हम लूजिंग का जोड़ेंगे तो 8.5 आएगा, और 1.5 इंच का हम मार्जिन लगाएंगे। ये देखिए, 1.5 इंच का हमने मार्जिन लगा दिया है। कमर की जो लंबाई हमको लेनी है वो हम कितने इंच पर लेंगे, 14 इंच पर लेंगे। कमर की चौड़ाई हमारी 25 इंच है, तो 25 का जब हम चौथा करेंगे तो हमारे पास आएगा 6.5 इंच आएगा, और उसमें हम आधा इंच जोड़ देंगे तो हमारे पास कमर की चौड़ाई कितनी आ जाएगी, 7 इंच पर आ जाएगी। देखिए, जो भी नाप आपको मैं ये लगाना बता रही हूँ, मैं विद फॉर्मूले के साथ ही आपको बता रही हूँ, इसीलिए आप इन्हें लिख लीजिए, आप कहीं पे नोट कर लीजिए ताकि आपको ये हमेशा काम आए और आपको बार बार कुर्ती कटिंग में दिक्कत ना आए। देखिए, हिप की जो लंबाई हमको लेनी है वो लगभग 20 इंच पर लेनी है। हिप की चौड़ाई हमको लेनी है वो हमको 33 इंच पर लेनी है, तो ये हमारे पास 8.25 आ रहा है। उसके बाद हम आधा इंच जोड़ेंगे इसमें, तो ये हमारे पास 9.25 आ जाएगा। देखिए, ये 9.25 आएगा। फिर उसके बाद हमने 1.5 इंच का मार्जिन लगाया है। दामन का निशान आपको पूरे 9 इंच पर लगाना है। देखिए, 9 इंच पर, और उसके बाद 1 इंच का मार्जिन लेना है। ये मैंने चाक अपने को पतले चाहिए इसलिए 1 इंच पे मार्जिन लगाया है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि चाक का जो फैशन है वो अभी पतले का चल रहा है, तो आपको पतले ही चाक बनाने हैं। अब आपको ये अंदर वाले निशानों से अंदर वाले निशान और बाहर वाले निशानों से बाहर वाले निशान मिला देने हैं। ये मैं आपको स्ट्रेट कुर्ती की कटिंग मैंने बॉटनेक के साथ आपको बताई है। बॉटनेक आपको ज्यादा नीचे नहीं उतारना है, तो कम से कम ये 2.5 इंच पर हमें उतारना पड़ेगा। बॉटनेक की जो कटिंग होती है वो ज्यादातर 3.5 इंच तक हो जाती है, लेकिन हमको अगर कम चाहिए आपको और, तो आप 2.5 इंच पर भी उसे उतार सकते हैं। देखिए, मैंने इसको 3 इंच पर उतारा है और हमें 3 इंच पर बॉटनेक तैयार करना है।
देखिए इसमें एक चीज और है, कई लोग बोलते हैं कि हमें और बॉट नेक चाहिए, मतलब ब्रॉड चाहिए, गले की चौड़ाई और ज्यादा चाहिए। तो आपको इसको गले की चौड़ाई को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप एंडिंग 4.5 तक अपनी चौड़ाई बढ़ा सकते हैं। गले की जो चौड़ाई है वो आप 4.5 तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन 4.5 बढ़ाने के बाद आपको बॉट नेक नीचे नहीं करना पड़ेगा, आपको बॉट नेक ऊपर करना पड़ेगा। आपको जैसे ये जो मैंने आपको 2.5 इंच बताया, फिर आपको ये 2.5 से 2 के बीच में ही बॉट नेक रखना पड़ेगा, आपको नीचे नहीं उतारना है। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखिए कि ये बॉट नेक जो बताया मैंने, नॉर्मल नाप आपको बताया है। अगर आपको गले की ब्रॉडनेस ज्यादा चाहिए तो आपको शोल्डर हल्का सा कम करना पड़ेगा, तो आप इसे कटिंग करके अलग कर लीजिए। देखिए हमने जो ये बॉट नेक की कटिंग करी है, तो इसके आर्म होल में आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको ये आर्म होल यहाँ आगे की तरफ हम अंदर की तरफ 1/2 इंच के और कम कर देंगे, क्योंकि हम आगे की तरफ 1 इंच पर ही आर्म होल की कटिंग लेते हैं। आप जब इसकी सिलाई लगाएंगे ऊपर कंधी की, जब इस पे सिलाई लगाएंगे तो आप इस चीज का ध्यान रखिए कि आप कम ज्यादा ना करें, 1/2 इंच पर ही सिलाई लगाएं। अगर आपने यहाँ से तिरछा या वैसा कर दिया तो आपका जो बॉट नेक है वो गले की तरफ से उतरने लगेगा, कंधी की तरफ झुकाव ले जाएगा, इसलिए आपको इसको 1/2 इंच पर कटिंग कर देना है। अब ये देखिए मैं बॉट नेक की कटिंग आपको करके बता रही हूँ। ये देखिए ये हमने कटिंग कर ली है, जब आप इसे खोलेंगे तो आपको जो गला है वो इस टाइप से मिलेगा। अब मैं आपको इसके स्लीव की कटिंग बताती हूँ। देखिए हमारी ये स्लीव की जो कटिंग है वो हमें 15 इंच पर करनी है, तो देखिए 1.5 इंच हमने बढ़ाई है, तो हमारे पास लंबाई कितनी आ रही है, 16 इंच, 16.5 इंच हमारी लंबाई आ रही है। गोलाई हमको जो रखनी है इसकी वो 7 इंच पर रखनी है, तो हमने ये देखिए मार्जिन को लेके अंदर की तरफ 4 इंच की गोलाई हमने इसमें रखी है, ऊपर से हमको लगभग 2.5 इंच पर रखना है और 2.5 इंच हमें ये नीचे उतारना है। अब ये देखिए इस प्रकार से हमने तिरछी सिलाई मिला दी है इसमें। देखिए स्लीव की जो लंबाई हमको लेनी है 15 इंच लेनी है तैयार, तो 15 इंच में हमने 1.5 इंच जोड़ा, तो हमारे पास 16.5 इंच की लंबाई आई है। 16.5 के बाद में हमने 2.5 इंच आगे की तरफ बढ़ाया, फिर 2.5 इंच हमने नीचे की तरफ उतारकर 1.5 इंच पे एक गोलाई दी है और 1 इंच पर हमने एक गोलाई दी है। नीचे की गोलाई हमारी 7 इंच है, तो 7 इंच में हमने 3.5 इंच उसका आधा होगा, आधे में हमने 1/2 इंच और मिलाया, 4 इंच पे गोलाई दी है लूजिंग की और सीधे हमने तिरछा निशान से इसे मिला दिया है। तो देखिए ये हमारी स्लीव की कटिंग तैयार है। आगे की कटिंग हम 1/2 इंच पे, ये देखिए हमने आगे की कटिंग 1/2 इंच पे कर दी है। देखिए बॉट नेक कुर्ती और हमारी स्लीव जो है कटकर तैयार है। आपको देखिए बॉट नेक आपको बनाना है तो आप चाहे इसमें डोरा पाइपिंग लगाइए, चाहे आप इसमें अंदर वाली पाइपिंग लगाइए, या अंदर की पट्टी से आप इसे तैयार कीजिए, लेकिन आप इसे पाइपिंग से तैयार करेंगे तो बॉट नेक आपका बहुत ही सुंदर लगेगा। और आप उसके बाद शोल्डर पर सिलाई लगाइए, सिलाई के बाद आप आर्म होल पर आस्तीन को जोड़िए। और देखिए ये जो डबल आपको नाप दिख रहा है, ये नाप एक नाप हमारा फिटिंग का है और दूसरा नाप हमारा मार्जिन का है, क्योंकि हम कुर्ते के अंदर या ब्लाउज के अंदर हम मार्जिन एक्स्ट्रा रखते हैं, ताकि कभी छोटा बड़ा हमें करना रहे तो हम इस नाप से कर सके। तो देखिए आपको ये कटिंग समझ में आ गई होगी, फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमें कमेंट कीजिए, हम आपके प्रॉब्लम्स को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे।